हे गाइस, मेरा नाम है विवेक। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्विस्ट। तो आज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आप लोगों को डोमिना 2019 की सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में। तो ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट है ये लगभग 6 महीने पहले आया है और ये मुझे अभी पता चला है। मुझे ऐसा बजाज वालों से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था इस अपडेट के बारे में। तो अभी जब मुझे पता चला है तो मैं अपने नज़दीकी बजाज के शोरूम में विज़िट करने वाला हूँ। और जो मेरा नज़दीकी बजाज शोरूम है वो है वसुंधरा बजाज, जो कि है कोडरमा में। और ये मैं यहाँ पे विज़िट करके इस अपडेट को करवाने वाला हूँ। अभी चलते हैं बजाज के शोरूम में और देखते हैं कि ये अपडेट कैसे होने वाला है। मेरी उनसे बात हो रखी है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं ये बॉश टूल से ये बाइक में कनेक्ट हो जाएगा पीछे केबल में। और यहाँ पे है प्रशांत जी जो कि है सर्विस मैनेजर वसुंधरा बजाज में। और यहाँ पे है ये डिजिटल कंसोल जो कि आप देख सकते हैं 2019 और 2020 की मॉडल में अवेलेबल है। ये 2016 और 2017 की मॉडल में ये अपडेट नहीं होगा, ये 2020 और 2019 के लिए अवेलेबल है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो है अभी बॉश टूल यहाँ पे अपडेट हो रहा है। क्यों एक्चुअली हुआ ये कि ये जो अपडेट है ये बॉश टूल में अवेलेबल नहीं था, यानी डोमिना 2019 का अपडेट फाइल जो है वो बॉश टूल में अवेलेबल नहीं था। इस वजह से पहले इस डिवाइस को अपडेट करना पड़ा। तो अभी जो है वो अपडेट सक्सेसफुली परफॉर्म हो रहा है और आप जैसा कि देख रहे हैं प्राइमरी डिस्प्ले जो है ऑफ है, ये अपडेट होने के टाइम पे ऑफ रहेगा। और उसके बाद जब ये अपडेट हो जाएगा तो प्राइमरी डिस्प्ले ऑन हो जाएगा और उसी के तुरंत बाद हमें सेकेंडरी डिस्प्ले को अपडेट करना है। तो सेकेंडरी डिस्प्ले को जैसा कि आप देख सकते हैं अभी भी ये प्राइमरी डिस्प्ले अपडेट हो रहा है, इसमें 10 to 15 मिनट्स लगते हैं। और अब यहाँ पे बारी है सेकेंडरी डिस्प्ले की। तो अब यहाँ पे सेकेंडरी डिस्प्ले जो है वो अपडेट में लग चुका है और जैसा कि आप देख सकते हैं सेकेंडरी डिस्प्ले की लाइट जो है चली गई है और प्राइमरी डिस्प्ले ऑन है। तो ये जो है अपडेट अब सेकेंडरी डिस्प्ले में हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अपडेट होने के बाद यहाँ पे गियर शिफ्ट इंडिकेटर आ जाएगा और साथ में टाइम इंडिकेटर आ जाएगा। तो ये जो अपडेट है काफ़ी अच्छा अपडेट है और अगर आपके पास 2019 मॉडल या 2020 मॉडल है तो ये अपडेट आप ज़रूर करवाएं, क्योंकि इससे आपको जो इंजन में मिसिंग यानी मिस फायर्स जो होते हैं, लैग होता है, वो भी दूर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये अपडेट परफॉर्म किया गया है। अपडेट करने में काफ़ी टाइम लग गया, 2 घंटे के आसपास लग गया, क्योंकि बजाज वालों को नॉलेज नहीं था कि ये अपडेट कैसे होगा। तो उन्होंने ASN को लाइन पे लिया यानी कॉल पे लिया, उसके बाद ये अपडेट परफॉर्म हुआ है। थैंक यू सो मच प्रशांत जी फॉर अपडेटिंग माय बाइक एंड थैंक्स वसुंधरा बजाज कोडरमा। ये था डोमिना 2019 का सॉफ्टवेयर अपडेट, ECU अपडेट, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट अपडेट। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। थैंक्स।